बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। महाराज जटायु, बचिए महाराज जटायु, बचिए बचिए। स्वामी महाराज, वो देखो महाराज के पंख जल रहे हैं। रुक जाओ, अन्यथा जीवित नहीं बचोगे। नीचे कैसे आएंगे? ईश्वर, ईश्वर सुरक्षित रखिए। मेघासुर, स्वामी बचिए, महाराज बचिए। नीचे कैसे आएंगे? उन्हें सुरक्षित रखिए। ये सब मुझ पापी के कारण हो रहा है। अरे महाराज, तुम नीचे गिर रहे हैं, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। क्षति नहीं पहुंचने देगा। महाराज जटायु, मैं आ रहा हूं। महाराज जटायु, अपने आप को संभालिए। महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। महाराज जटायु, ये सब जो हो रहा है वो अनुचित हो रहा है। इसे रोकना हनुमान का, आपका और सभी हरि भक्तों का कर्तव्य है। अनुचित वो है जो तुम कर रहे हो हनुमान। मेरे कार्य में निरंतर बाधा डालकर मुझे कुपित कर रहे हो। इसका ऐसा दंड दूंगा तुम्हें कि फिर कभी तुम ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकोगे। परंतु उसके पूर्व मैं इन अंडों को नष्ट करने का कार्य संपन्न कर लूं। मैं तुम्हें गरुड़ों के अंडों का अंत करने नहीं दूंगा। महाराज जटायु, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ। अच्छा किया हनुमान जो मेरी विषाग्नि के मार्ग में आ गए। अब एक पंथ दो काज हो जाएंगे। जटायु के समान तुम भी जल जाओगे और उन अंडों का भी नाश होगा। महाराज
भी हमारी रक्षा कर सकते हैं। खगिका, मेघासुर का ध्यान भटका हुआ है। जी महारानी, उसकी दृष्टि से बचकर हम अंडों को सुरक्षित कर सकते हैं, परंतु शीघ्रता। मेघासुर विषाग्नि बरसाते बरसाते थक गया, परंतु इस हनुमान पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। मैं पुनः प्रहार करूंगा। हनुमान को इसे किसी युक्ति से रोकना होगा, अन्यथा ये तो अपनी वार करता रहेगा। समझ गया, शीतल वायु प्रवाह उत्पन्न करता हूँ। किसी को भी कष्ट पहुंचाने नहीं देगा। महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। विस्तर विकराल हूं मैं। की शक्ति को चुनौती दी है। मेरी अग्नि प्रहार से तो तुम बच गए हनुमान, परंतु मेरे शारीरिक बल का सामना कैसे करोगे? करता है उसका भक्षक हूं मैं, मेघासुर हूं मैं। मेघासुर से जीतना अब कठिन है। मैं आहत हूं, अन्यथा हनुमान की सहायता अवश्य करता। हनुमान को अब इस समय अकेले ही लड़ना पड़ेगा। स्वामी, आप चिंता ना करें, हनुमान अवश्य हमें इस दुष्ट से बचा लेंगे। अब तुम मेरे पास में फंस गए हो हनुमान, अब तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा मैं। हनुमान तो मेघासुर का प्रतिरोध भी नहीं कर रहे हैं, और मेघासुर है कि उन पर दबाव बढ़ाता ही जा रहा है।
तो बढ़ता जा रहा है। इतनी सरलता से हनुमान निकल गए, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, अब मेघासुर का अंत निश्चित है। मेघासुर, तुम अभी भी गरुड़ों को दिव्य पंख लौटाकर यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इसके पश्चात नागों और गरुड़ों में शत्रुता समाप्त हो जाएगी। तुम इन गरुड़ों की रक्षा नहीं कर सकते हनुमान। मुझे ज्ञात है हनुमान कि मेरे विष से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, परंतु मेरा बंधक नाग विष तुम्हें अवश्य जकड़ लेगा। ये क्या, मेघासुर ने नागबंधक विष का प्रहार किया। इस विष का जिस पर विवार होता है उसका शरीर सदा के लिए जड़ हो जाता है। हनुमान ने नागव्यूह को खंडित किया था, उसी प्रकार इस बंधक नागविष से भी मुक्ति पालेंगे। इसे खंडित करना इतना सहज नहीं है। इस विष का प्रभाव तो विषैले नागों पर भी पड़ता है। इस विष के प्रभाव को नष्ट करने का ज्ञान किसी को भी नहीं है। एकमात्र मेघासुर और उसके सैनिक इस विष पर नियंत्रित पा सकता है। अब तुम्हारे जीवन के अंत होने के पूर्व तुम्हारे नेत्रों के सामने मैं इन अंडों को ले जाऊंगा हनुमान, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं मेघासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेघासुर, अब तुम अति कर रहे हो, तुम्हारा दुराचार बढ़ता जा रहा है। अभी भी समय है, रुक जाओ। जो भी मेरे मार्ग में आएगा मैं उस पर भी बंधक नाग विष का प्रयोग करने में हिचकूंगा नहीं। विष्टर विकराल हूं मैं। मेघासुर, हमारे प्राण ले लो, पर हमारे इन अंडों को छोड़ दो। मैं कभी इतना निर्बल और असहाय नहीं था, अब तो स्वयं संकट मोचन हनुमान भी संकट में है। हमारी रक्षा कौन करेगा? हे महादेव, अब हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए।
नहीं मेघासुर, अंधों के समीप भी मत जाना तुम। हे प्रभु, ये दृश्य देखने से पूर्व हमारी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। हे प्रभु, ये कैसी विवशता है जिनकी रक्षा का भार मेरे कंधों पर था, उन्हीं का विनाश अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे भी वंश का नाश हो रहा है। मेघासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कलंकित कर दिया मेघासुर ने पूरी नाग जाति को। पाप को कैसे धो पाएंगे हम? हनुमान ने बड़े बड़े संकट हरे हैं, उनके नेत्रों के समक्ष इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता। नहीं मेघासुर, ऐसा मत करो तुम। मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त होना होगा। ये क्या कर रहे हैं? कहां तक बंधक महाविष को अपने ही देह में समा रहे हैं? ये क्या? इस प्रकार तो हनुमान स्वयं संकट में पड़ जाएंगे। हनुमान, ऐसा मत करो मित्र। हनुमान, छोड़ दो। सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हे प्रभु, मैं ये दृश्य नहीं देख सकता, इससे अच्छा मुझे मृत्यु दे दो। Woo!
के पश्चात सर्पों की पाचन क्रिया में समय लगता है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा।